आप चाहते हो कि हम इसको बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करें, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? सबसे पहले हम चीज़ें तो बाद में सारी सारी डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि हमें नेट लेना कहाँ से है। नेट पहले आप जहाँ पे भी हैं, कोई भी एक कस्बा है, कोई भी एक गांव है, कोई भी एक शहर है जहाँ पे नेट ऑलरेडी नहीं है, तो सबसे पहले आपने टावर नहीं लगवाना, सबसे पहले आपने सामान नहीं लेना। सबसे पहले आपने जो चेक करना है कि आपके पास नज़दीकी इंटरनेट मैसर होगा कि नहीं होगा, वो आपने चेक करना है। उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ऊपर लिखना, गूगल में चले जाना, आपने अपनी लोकेशन ऑन कर लेनी, आपने लिखना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अराउंड मी, ठीक है, नियर मी या अराउंड मी कर देना है। तो आपने आपकी जो लोकेशन होगी, ये मेरी लोकेशन आ गया ब्लॉक A1, ठीक है, लाहौर पंजाब। तो उसके नज़दीक आपके जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैठे होंगे उनकी एक लिस्ट आ जाएगी प्लेसेस के अंदर, और इसको हम कर लेते हैं मोर प्लेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इंटरनेट सर्विस तलाश करनी है कि यहाँ पे कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस अवेलेबल भी है कि नहीं है। ये नहीं कि मुँह उठा के सारा का सारा पहले टावर लगवाओ, किसी ने कहा जी टावर पहले लगवा लो, किसी ने कहा जी पहले डिशे ले आओ, किसी ने कहा जी पहले फाइबर ले आओ, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले आपने जब इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करनी है, लाइसेंस का भी नहीं, सबसे पहले आपने इंटरनेट सर्विस तलाश करनी है आपके नज़दीक कितने एरिए में है, उस हिसाब से फिजिबिलिटी बनेगी। अगर आप वो देखो टावर लगवा लेते हो आप, ठीक है, आपको इंटरनेट मिलता है को 20-25 किलोमीटर पे, तो फिर आपको जो उसके लिए और हर बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको 5 किलोमीटर पे मिलता है उसको और तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको 1 किलोमीटर पे मिलता है तो फिर आप फाइबर भी डायरेक्टर ले आते हैं, फिर आपको टाइमर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तलाश करनी है। अब ये तो मेरे पास खुल गया है, मैंने बड़ा पेज खोल लिया है, इनकी वेबसाइट भी है, जिनके साथ वेबसाइट है उनकी वेबसाइट खोल लें, ठीक है, जिनकी वैसे है ये देखें, उन्होंने एड्रेस भी बताया है रिजवान इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये देखें सुप्रीम लिमिटेड लाहौर, कॉमसेट इंटरनेट अच्छा चलता है, कॉमसेट इंटरनेट है, यूनाइटेड ब्रॉडबैंड है, ठीक है, ये जी पील वायरलेस इंटरनेट है, केबल इंटरनेट, हर किसी ने जो इंटरनेट सर्विस दी हुई है उसने अपने नाम से मतलब के ऐड किया हुआ है, जैसे जिशान आसमी नेट वाले, ठीक है, स्मार्ट फाइबर नेट, स्काई नेट, टेलीकॉम, मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसने अपने हिसाब से ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस एरिया में देखो कितने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैठे हुए हैं, मतलब मॉडल टाउन से लेके भापटा टाउन तक, मतलब सैकड़ों बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनके नंबर कहाँ से, अगर आपने उनसे रब्ता करना है, ये देखिए नंबर आपको 321-4700-2819,
कह रहा था आप मुझसे बात करें कि मैं मलेशिया टाउन में चलाना चाह रहा हूँ, तो काइंडली मुझे इंटरनेट सर्विस दें तो आके मैं उधर चला सकूँ। ठीक है, वो आगे उनकी जो भी डीलिंग होगी वो आपसे सिक्योरिटी लेके आपको लाइसेंस देके, और एक चीज़ याद रखना, लाइसेंस के बगैर आपने काम नहीं स्टार्ट करना। ठीक है, अगर तो आपको पैरेलल मिल जाता है तो फिर वेलिंग गुड, उसका भी लाइसेंस, फिर कंपनी लाइसेंस होती है और उसके साथ सिक्योरिटी वगैरह आपने जमा करवानी होती है। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी इसमें जमा करवानी होती है कि कंपनी ने आपके ये कोड कन्फिगर करनी होती है, स्विच कन्फिगर करना होता है, एक आपने पहले ये नहीं, आपने सबसे पहले जितने भी नंबर हैं आपने उनके रेट लेने हैं, उनसे बात करनी है, चाहे आप हैंड टू बात करें, मतलब फेस टू फेस या तो बात करें या व्हाट्सएप पे बात करें, उनसे आप बात करें जिनके रेट अच्छे हो, जिनकी सर्विस अच्छी हो। अगर कोई कहे जी हम ट्रांसफ़र चला रहे हैं, तो ट्रांसफ़र को सर्च करने के बाद आपने गूगल पे जाकर ट्रांसफ़र की हिस्ट्री निकालनी है। आप इस वीडियो को आगे, अगर आप चाहते हो कोई नेक्स्ट वीडियो आए, तो इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट में ज़रूर